सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार कंप्यूटर साइंस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एम और ये किसी भी यू नो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है खासकर जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूं अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी रिलेटेड है चाहे अगर आप बीपीएससी की बात करें गेट सी की बात करें या एम या किसी भी स्टेट बोर्ड या नेशनल बोर्ड की अगर आप बात करें आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बट उसके पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा वहां पर इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो अदर पार्ट जाएंगे साथ ही साथ आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सभी टॉपिक के एमसीक्यूज नोट्स ट्यूटोरियल वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्प्ले में आई मीन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर यू कैन सी इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज इन द कंप्यूटर नावर डेज अभी जो कंप्यूटर आजकल आप यूज करते हैं उसमें कौन सा आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं सो ऑप्शन आर माइक्रो आर्किटेक्चर हार्वर्ड यू नो आर्किटेक्चर देन वॉन यूमन एंड सिस्टम डिजाइन आपने नाम सुना होगा काफ़ी यू नो वॉन वन आर्किटेक्चर का तो प्रेजेंट डेज में जो यू you नो know, हम कंप्यूटर सिस्टम में आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं डेट इज वॉन न्यूमन और आपको यह भी पता है कि इसमें इनपुट का सेक्शन होता है प्रोसेसिंग का सेक्शन होता है देन आउटपुट का सेक्शन होता है इसी प्रोसेसिंग को आप चाहे सीपी बोल लीजिए जिसके अंदर एम भी होता है जिसके अंदर सी भी होता है और बाहर में एक्सटर्नल मेमोरी भी होती सो दिस इज वॉट योर वन ह्यूमन आर्किटेक्चर तो ये इसका करेक्ट आंसर है द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर इफिशियंट अब ये जो आर्किटेक्चर है रिस्क है आई एस सी आई एन ए सी आई एस सी इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर है जो पावर इफिशियंट होता है पावर so इफिशियंट so होता है मेमोरी इफिशियंट भी आप किसी ना किसी तरीके से बोल सकते हैं आगे चल के इसके क्वेश्चन को और डिटेल में देखेंगे अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ दिवाइस इज मेड बाई सेमी कंडक्टर इनमें से कौन सा डिवाइस से बना है तो वी ऑल नो दैट कि मोस्टली जितने भी यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं दे आर मेड बाय सेमी कंडक्टर कंपोनेट्स तो रैम इज देयर यू नो फ्लॉपी इज देयर हार्ड डिस्क इज देयर सॉलिड स्टेट डिस्क अब यहाँ पर जो बेसिकली सेमी कंडक्टर जहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो किसमें हो रहा है आपके रैम में क्योंकि फ्लॉपी वगैरह जो होते हैं ये मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क में जो होता है वो रजिस्टर्स का ज्यादातर प्रयोग होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव में जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं तो बेसिक सर्किट का इस्तेमाल होता है जहां पे सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ फॉलोइंग दूसड बाई सी पीयू एज शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज फॉर द आउटपुट इनमें से कौन सा सीपीयू के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम करता है जहां पर वो इमीजिएट जो रिजल्ट आते हैं उनको होल्ड करता है अब यहाँ पे ऑप्शन है एक्यूमुलेटर तो देखिए जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं हालांकि ये सभी ही किसी न किसी प्रकार से मेमोरी के ही रूप हैं लेकिन जब इमीडिएट रिजल्ट की बात आती है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक्यूमुलेटर क्योंकि एक्यूमुलेटर जो होता है ये बेसिकली क्या करता है जब भी इट्स द मेमोरी काइंड ऑफ मेमोरी यू कैन से कि आउटपुट जो भी जनरेट होता है इमीडिएट आउटपुट उसको ये होल्ड करता है सो आंसर डी इसका जो है यहाँ पे करेक्ट है नेक्स्ट इज संगट द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट बाई जनरेटिंग वॉट अब ये आपके इस साल जो ऑगस्ट में बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसका यह क्वेश्चन है कि कंट्रोल यूनिट अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए क्या जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल टाइमिंग सिग्नल ट्रांसफर सिग्नल कमांड सिग्नल तो एज कम्पेयर टू ऑल सिग्नल करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी दट इज टाइमिंग सिग्नल हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहां पर यह बोलता है कि डैश इज द बस स्ट्रक्चर इज यूजली कनेक्ट आईओ डिवाइसेस तो कौन सा जो बस स्ट्रक्चर है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिंगल बस है मल्टीपल बस है स्टार बस है रैम बस है तो आपने ज्यादातर नाम जो सुना होगा वो सिंगल बस और मल्टीपल बस का तो सिंगल बस जो है द मोस्ट पॉपुलर वन जो कि प्रयोग की जाती है आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं द टाइम डिले बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ टू सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन इज मतलब दो मेमोरी के ऑपरेशन हो रहे हैं चाहे वो रीड या राइट की हम बात करें तो उनके बीच का जो टाइम डिले होता है उसको यू you नो know, कौन मेजर करता है या उस पर्टिकुलर डिफरेंस को या टाइम डिले को हम क्या बोलते हैं तो मेमोरी एक्सेस टाइम लेटेंसी टाइम मेमोरी साइकिल टाइम मोर देन वन ऑफ दी नन ऑफ दी दब तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड जो टाइम डिले होता है दो सक्सेसिव मेमोरी ऑपरेशन के बीच में दैट इज मेमोरी साइकिल टाइम आगे बढ़ते हैं इमीडिएट instructions इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम system आर स्टोर्ड इन देखिए जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें जब आप रजिस्टर्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है ये जैसे आई आर की बात करिए एम डी आर की बात करिए टी आर की बात करिए हालांकि टी आर तो नहीं होना चाहिए या आप प्रोग्राम कंट्रोलर की आप बात करिए एम ए आर की बात करिए तो आई आर का मतलब होता है क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एम का मतलब होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर एक्ूमलेटर तो मैंने आपको बताया कि इमीजिएट आउटपुट जो होल्ड आता है उसको ये होल्ड करता है देन प्रोग्राम कंट्रोलर इज दे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं अब आपका इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर यहाँ पर अब जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं उनको भी आप याद रखिएगा तो जैसे हालांकि टी जो होता है वो बेसिकली टेम्प्रेरी रजिस्टर का काम करता है मैं पहले बोल रहा था कि ये नहीं होना चाहिए बट इट इज ऑल्सो देयर सो ये सारे ही रजिस्टर की भी जानकारी आप रखिए रिलेटेड क्वेश्चन है कि related question है। अब हमारा question था कि ये जो जो हैं, हैं, तो immediate decoded instruction का मतलब रहता है कि जब instructions जो होते होते किए जा रहे होते हैं, उनको कौन होल्ड करता है भाई जब जिनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तभी तो वो डिकोड होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर ऑप्शन ए अगला है फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्राम बींग एग्जीक्यूटेड अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं प्रोग्राम बींग एग्जीक्यूटेड और अंडर एग्जीक्यूशन अब जब इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है इंस्ट्रक्शंस बींग एग्जीक्यूटेड अगर आप बात करें इंस्ट्रक्शंस बींग एग्जीक्यूटेड इन दैट सिचुएशन वी से दैट आई आर इज देर वो रिस्पॉन्सिबल होता है उनको होल्ड करने के लिए और जब प्रोग्राम बींग एग्जीक्यूटेड की बात आती है तो उसके लिए होता है प्रोग्राम कंट्रोलर राइट तो ये और डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन की काउंटिंग के लिए भी प्रोग्राम कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेश्चन है विच रजिस्टर कैन इंटरक्ट विद द सेकेंडरी स्टोरेज इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के साथ में इंटर करता है तो देखिए जो एम और आप एम की बात करते हैं मेमोरी एक्सेस रजिस्टर मेमोरी डेटा रजिस्टर तो ये बेसिकली यू नो डेटा कम्युनिकेशन रजिस्टर आप बोल सकते हैं एक प्रकार से अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि यू you नो know, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसके साथ उसमें डेटा सेंड और रिसीव करने का काम करना तो मेमोरी एक्सेस का मतलब वो एक्सेस कर रहा है डेटा रजिस्टर मतलब वो डेटा ट्रांसमिट करने की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो होगा आंसर वो होगा एम अब यहां पर एक क्वेश्चन है वॉट द डिफरेंस बिटवीन एमडीआर एंड एम उसको भी आप प्रैक्टिस में रखिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं 8 बिट यूनिट डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर भाई 8 बिट डेटा जब है तो उसके लिए कितने लाइन की बस बिट तो का, तो का मतलब कितने जनरल रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं प्रोसेसर में तो वो एक है दो है चार है एन है तो जनरल परपज रजिस्टर की जब आप बात करते हैं तो वो एन नंबर ऑफ यू नो रजिस्टर हो सकते हैं किसी भी प्रोसेसर में तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है कि इन मेमोरी मैप्ड आईओ देखिए ये मेमोरी मैप वाला जो आईओ है ना इसका भी एक क्वेश्चन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बनता है प्रीवियस एक्सपीरियंस यदि आप बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जैसे मैंने आपसे बोला अदर एग्जाम्स के कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संबंध में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेमोरी मैप्ड आईओ क्या है द आईओ डिवाइसेस हैव द सेपरेट एड्रेस स्पेस बिल्कुल नहीं मेमोरी एंड आईओ डि है आईओ एसोसिएटेड नहीं अ पार्ट ऑफ मेमोरी इज स्पेसिफिकली सेट असाइड फॉर द आईओ ऑपरेशन मतलब आईओ ऑपरेशन से अलग एक उसके लिए स्पेसिफिक मेमोरी रखना तो ये भी नहीं है द आईओ डिवाइसेज एंड मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस तो ये बिल्कुल सही है कि जो आईओ डिवाइसेज होते हैं और जो मेमोरी होती है दोनों एक ही एड्रेस को या सेम एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ा जाए यहां पर यह बोलता है कि यूजेस ऑफ डैश टेक्स केयर ऑफ द लैग इन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द आईओ डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर तो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर के बीच का जो लैगिंग है उसको कौन ध्यान रखता है बफर स्टेटस फ्लैग इंटरप्ट सिग्नल्स या एक्सेप्शन सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी स्टेटस फ्लैग तो स्टेटस फ्लैग जो होता है ना वो लैग बताता है जो आईओ डिवाइसेस है उसको मेंटेन करता है राइट right? आगे बढ़ते हैं इन मेमोरी मैप्ड आईओ सिस्टम ऑफ़ फॉलोइंग विल नॉट बी देयर इन एड और आउट तो देखिए इन एड और आउट तो ये पूरे हो गए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आपके मेमोरी मैप्ड आईओ सिस्टम में होते हैं एलडीए का मतलब हो गया क्या आपका लोड एक्यूमुलेटर अब एक्यूमुलेटर है मतलब ये क्या करता है इमीडिएट आउटपुट को होल्ड करता है तो इसका इस मेमोरी मैप्ड आईओ से खासा कोई रिश्ता नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ा जाए द सर्किट टू स्टोर वन ऑफ डेटा इज नोन एज वॉट वन बीट ऑफ डेटा का सर्किट को आप क्या बोलते हैं एनकोडर गेट फ्लिप फ्लॉप या सेक्टर तो वन बिट ऑफ डेटा का सर्किट मतलब उसको हम क्या बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी The next is saying that the main memory in a PC is made of computer ke I mean personal computer mein jo main memory hoti hai wo kis se banti hai Cache se static RAM se dynamic RAM se more than one of the above none of the above. तो देखिए जब आप personal computer के main memory की बात करते हैं, तो mainly उसमें considered होता है cache और static memory. तो यहाँ पर ये दोनों ही options correct होंगे. इसका मतलब इसका answer आएगा option number D more than one of the एब कैश एंड स्टेटिक बोथ मेक्स द मेन मेमोरी आई मूव टू द नेक्स्ट एम आई एम डी स्टैंड फॉर वॉट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डेटा मेमोरी इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा तो नहीं होगा मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस तो सही है मल्टीपल डेटा इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है आगे बढ़ते हैं आई ए थर्टी टू प्रोसेसर की बात कर रहा है इसका जो आर्किटेक्चर होता है इट असोसिएट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी कॉल्ड विद डिफरेंट यूजेस यू नो आईए थर्टी टू प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें जो डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं जो अलग अलग कार्यो के लिए प्रयोग की जाती है प्रेम पेजेस टेबल्स या सीगमेंट्स तो हमने नाम सुना सुना होगा सिगमेंटेशन का या सीगमेंट का तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है

रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी राइट तो मेरे ख्याल है इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं केवल उनको होल्ड करना बाकी को स्वैप करते जाना जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं द टेक्निक विच मूव द प्रोग्राम ब्लॉक टू और फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी इज कॉल्ड प्रोग्राम के ब्लॉक्स को फिजिकल मेमोरी से, से लाना ले जाना है इसको आप क्या बोलते हैं पेजिंग वर्चुअल मेमोरी ओवरले फ्रेमिंग पर बात किसकी कर रहा है फिजिकल मेमोरी जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मेमोरी की बात करता है तो वहां पर इसका आएगा. B, अगला क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अब वर्चुअल मेमोरी आप जानते ही होंगे एक्सेस तो बिल्कुल सही बात है वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि सही तरीके से मेमोरी एक्सेस करवाए प्रोवाइड बेटर मेमोरी ट्रांसफर भी हो सकता है टू इम्प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स भी बिल्कुल हो सकता है ऑल ऑफ दी मोर देन वन तो अकॉर्डिंग टू बी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी तीनों ही इसके लिए मतलब इसका जो पर्पज है वो हो सकता है वर्चुअल मेमोरी का यू नो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस बेटर मेमोरी ट्रांसफर एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करवाना है किसी भी प्रोग्राम का अगला क्वेश्चन है द बिट यूज टू सिग्निफाई दैट द कैश लोकेशन इज अपडेटेड इज कॉल्ड वॉट कैश मेमोरी में कोई भी कौन सी बिट का प्रयोग किया जाता है जो बताता है कि कैश मेमोरी अपडेटेड है बिट का मतलब यहां सिग्नल से है तो इसको हम बोलते हैं डर्टी बिट तो डर्टी बिट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल जो कि प्रोसेसर को यू नो सिग्नल सेंड करता है और यह बताता है कि यहां जो कैश मेमोरी है वो अपडेट हो चुकी तो है तो करेक्ट आंसर इसका होगा डर्टी बिट अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ लार्ज चंक ऑफ डेटा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर इज डन बाई द ट्रांसफर ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डेटा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रोसेसर तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेसर के द्वारा उसके सहयोग से मैनेज करना या ट्रांसफर करने का कार्य इसको हम क्या बोलेंगे डीएमए कंट्रोलर आरबी ट्रेडर आरबी ट्रेटर यूजर सिस्टम प्रोग्राम्स एक्यूमुलेटर तो नहीं है, नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है करेक्ट आंसर है डीएमए कंट्रोलर डीएमए का मतलब यहां पर हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर तो प्रोसेसर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के द्वारा यू नो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफर करने का कार्य किया जाता है द द मेक्स यूज ऑफ डैश टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट तो हमने पहले भी देखा है ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया तो इमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है आउटपुट भी हम यहां पे कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है द टेक्निक यूज टू स्टोर प्रोग्राम लार्जर देन द मेमोरी इज कॉल्ड वॉट कौन सी टेक्निक है जिसमें कि यू नो जो लार्ज मेमोरी प्रोग्राम होते हैं जिनका साइज मेमोरी जो है एग्जिस्टिंग उससे बड़ा होता है तो उस टेक्निक को आप क्या बोलते हैं ओवरलेस एक्सटेंशन बफर या बोथ एक्सटेंशन रजिस्टर एंड बफर इसका जो करेक्ट आंसर है ओवरलेस है अब ओवरलेस में एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है उसमें तो देखिए डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं उसमें डेफिनेशन पार्ट भी होगा अलग अलग फंक्शंस होंगे और एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है तो ये क्या करता है ओवरले स्पेसिफिक पार्ट जो एग्जीक्यूट हो रहा है सिर्फ उतने को ही मेमोरी में डालेगा क्योंकि लार्ज है उसका साइज और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है उसको उससे स्वैप करते चले जाता है और इस तरह से ये प्रक्रिया होती है कम मेमोरी में बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की और इसे हम कहते हैं क्या ओवरलेस आगे बढ़ा जाए द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड बॉट ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट किया जाता है डेटा के ऊपर में जो कि स्टोर किया जाते हैं रजिस्टर में उसको हम क्या बोलते हैं मैक्रो माइक्रो बिट या बाइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रो ऑपरेशन सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रो ऑपरेशन अगला है द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी कॉल्ड व्हाट परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो की जाती है मेजर उसको हम क्या बोलते हैं मिस रेशियो नहीं हिट रेशियो भी नहीं है लेटेंसी रेशियो रीड रेशियो तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है ऑप्शन सी लेटेंसी रेडियो रेशियो जो होता है कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर द्वारा ऑर्गेनाइज कंप्यूटर या स्टैक से संबंधित ऑर्गेनाइज कंप्यूटर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं थ्री एड्रेस टू एड्रेस वन एड्रेस जीरो तो स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर मतलब जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जनरली देखिए एड्रेस मेमोरी का इस्तेमाल तो कंप्यूटर करेगा लेकिन जब स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये एड्रेस मेमोरी का प्रयोग इन जनरल नहीं करता है जब हम कौन से ऑपरेशन की बात करते हैं जैसे एड या मल्टीप्लाई की उस दौरान इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है हालांकि एक बात आप ध्यान रखिए कि जब पुश और पॉप की बात आती है चूंकि यहां पे स्टैक की बात आ रही है तो वहां पे मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर जैसे मैंने कहा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का इसका जो है करेक्ट आंसर होगा कि जैसे मैंने बोला इन जनरल एड मल्टीप्लाई में उसको जरूरत नहीं पड़ती आगे बढ़ते हैं थर्टीए नंबर क्वेश्चन बोलता है वर्चुअल मेमोरी क्या है एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी तो वो भी नहीं है इल्यूजन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ये यू you नो know, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है उसके एक पार्ट को एज ए रैम इस्तेमाल करता होता है तो इसलिए वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या हो गया इल्यूजन होता है इट्स द एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी स्पेशली यू कैन से सेकेंडरी आंसर सी इसका करेक्ट है अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है डिवाइडिंग द सेकेंडरी मेमोरी इंटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट नहीं डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इंटू इक्वल साइज फ्रेगमेंट बिल्कुल सही है तो इसके ऊपर वाले में क्या था इक्वल साइज फ्रेगमेंट्स तो आई गेस ये थोड़ा सा हाँ यहां पर ये सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहा है जो कि गलत है डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इज द करेक्ट आंसर कि जो आपकी मेन मेमोरी रहती उसको इक्वल फ्रेगमेंट में डिवाइड करना आंसर बी करेक्ट है फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी वर्ड्स नहीं होगा फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी वर्ड्स यहां पे भी नहीं होगा नन ऑफ डीज भी नहीं होगा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है The next is saying that Dash is an extension of the processor bus. बस इनमें से कौन सा processor bus का extension है SCSI, USB, PCI, more than two, none of the above. तो सीधा, -सीधा इसका करेक्ट आंसर है PCI बस जो होता है वो प्रोसेसर बस का एक्सटेंशन होता है और उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि PCI स्टैंड फॉर वॉट तो इट इज सिंपली पेरीफेरल कॉम्पोनेंट इंटरकनेक्ट दिस इज द करेक्ट वन ऑप्शन ए ही यहां पर सीधे करेक्ट होगा आप चाहें तो अगले ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं बट मैं आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन है द यूएसबी डिवाइस फॉलो विच स्ट्रक्चर लिस्ट हाफ मैन हैश या ट्री तो यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जो डिवाइस होती हैं वो ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं डेटा मैनेज करने के लिए राइट सो दिस इज द करेक्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्री डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी वॉट मेमोरी मैनेजमेंट की वह तकनीक जिसमें कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर करना या रिट्रीव करने का कार्य किया जाता है उस तकनीक को आप क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन पेजिंग मैपिंग या नन ऑफ द देंशन तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज कॉल्ड पेजिंग सिस्टम स्टोर्स एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी फॉर यूज इन मेन मेमोरी ठीक है तो सेकेंडरी का प्रयोग करना मेन मेमोरी में डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए दिस इज वॉट योर पेजिंग तो ये थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के थर्टी फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं उम्मीद करता हूं आपके कमिंग एग्जाम में कंप्यूटर साइंस से जो रिलेटेड है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक वीडियो पे बने रहिए चैनल पे बने रहिए किसी भी प्रकार का डाउट आने से आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं बाकी सभी जानकारी के लिए सभी टाइप्स के एमसीक्यूज के लिए नोट्स के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करिए आपके काम की वीडियो मिल जाएगी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो